नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक श्योर गेम के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, MT4 पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस डेली आते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें बताते हैं किस तरीके से उनको लूट लिया गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के द्वारा। तो ये किस तरीके से हो रहा है और क्या प्रोसेस है उसके बारे में ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाना चाहता हूँ ताकि वो कभी इस ट्रैप में ना फंसें। होता क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर आपका अकाउंट खोल दिया जाता है और उस अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। वो कहते हैं, आपको कॉल करके कहेंगे, फ्रॉडिस्टर्स लोग जो होते हैं वो कहेंगे कि हम आपके बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे और हमारा रोबोट है, जो रोबोट है वो ट्रेड करेगा और रोबोट ट्रेड करके आपकी जो कैपिटल है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ एडमिन के एक्सेस होते हैं, जो MT4 के जो एडमिन होते हैं उनके एक्सेस होते हैं और उस एक्सेस का वो मिसयूज़ करके आपके अकाउंट में बैक डेट की ट्रेडिंग कर देते हैं और वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको देखने में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपके अकाउंट में हो गया है, 50,000 से 1,00,000, 2,00,000, जितने भी पैसे आप अपने अकाउंट में डालेंगे उसका वो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपको डबल करके दिखा देते हैं। आपको देख के लगेगा कि जी हाँ प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सब फ्रॉड होता है दोस्तों, उसके चक्कर में आपको फंसना नहीं है। वो क्या करते हैं, उसके बाद आप जब आप पैसे निकालने के लिए विड्रॉल के लिए कहेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि ये विड्रॉल तो हम निकलवा देंगे लेकिन उसके लिए आपको इसका GST अमाउंट पे करना होगा या कुछ सर्विस चार्जेस पे करने होंगे या बैंक चार्जेस पे करने होंगे। इस तरीके से वो आपसे और पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर उसके बाद आपके फ़ोन उठाना बंद कर देंगे या फिर आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करें आप या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करें, अव्वल तो मैं आपको बता दूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अभी लीगलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ऑक्टा एफएक्स या और भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स के यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं इंडिया में, बट अभी तक कोई भी एडवाइजरी ऐसा ऑफिशियली आया नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यहाँ पर अलाउड है। इंडियन मार्केट में आपके पास 4 करेंसीज होती हैं, उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मुझे नहीं पता किस तरीके से ये बिज़नेस चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, बट जो भी है, बट आप अपना अपने आप को सेव रखिए, ठीक है। अगर आपके पास किसी की कॉल आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए तो थोड़ा सोच समझ के बात करें, किसी भी एल्गो ट्रेडिंग के फ्रॉड में ना फंसें। अगर वो कहते हैं कि आपसे कि वो आपके अकाउंट में एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी आपकी ऑटोमेटिक काम करे और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करे, तो उसको आप अपने अकाउंट में अपने मशीन पे लगा सकते हैं। आपको किसी को अपना अकाउंट हैंडओवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे या हैंडओवर करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ फ्रॉड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अगर आपके पास खुद की कोई बेस्ट स्ट्रेटजी है जिस पर आप चाहते हो भी आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो जाए, तो हम यहाँ पर हैं अवेलेबल आपके लिए, हम आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइज़र बना के देंगे। हमारी कंपनी इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाने का भी काम करती है जो कि MT4 के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको इंडिकेटर या कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पे, तो हम आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइज़र बना के दे देंगे। तो ये जो वीडियो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर नारियप्पा की रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने। उन्होंने मुझे कहा कि इसके बारे में वीडियोस बनाइए क्योंकि मेरे पैसे तो चले गए लेकिन मैं नहीं चाहता किसी और को इस तरीके का नुकसान हो, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज एक ब्रीफ वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये जो फ्रॉड है दोस्तों, ये सब फ्रॉड जो है इससे आपको बचना है, ठीक है। ये सब फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है बिल्कुल भी, आपको अपना पैसा ऐसी किसी जगह नहीं जाना है जो कि ऑथराइज नहीं है। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने किसी फॉरेक्स अकाउंट में पैसे डाल दिए और वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहा तो आप कोई पुलिस केस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कोई हक ही नहीं होगा कि आप केस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट या पुलिस आपको कहेगी कि जब ये चीज़ अलाउड ही नहीं है तो आपने इसमें क्यों पैसा डाला, जब आपको पता ही है कि इसमें पैसा वापस आने के चांसेस नहीं होंगे तो आप क्यों पैसा डालते हो। तो इस तरीके जो फ्रॉड हो रहे हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपने सब्सक्राइबर्स को बताया जाए, जानकारी दी जाए इन फ्रॉड्स के बारे में और उनको ये भी सलाह दी जाए कि इस तरीके के फ्रॉड से बचें। अगर आप फॉरेक्स या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं
तो उसको प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है, खुद से करें, खुद के अकाउंट में करें, किसी नामी ग्रामी ब्रोकर के साथ ही अपना अकाउंट खोलें। ऐसे ही किसी को फ़ोन कॉल आने पर ऐसा कोई अकाउंट ना खोलें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करना जो है वो आप ही को करना है। अगर आप किसी और की सजेशन पे ट्रेडिंग करेंगे या आप किसी और को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे देंगे तो वो तो नुकसान करे या प्रॉफिट करे कहीं भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इमोशनल होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैसे आपके हैं, वो पैसे तो उसके हैं ही नहीं। अगर उसके पैसे होते तो वो इमोशनल होता उस बात को लेके कि यार पैसे जा रहे, नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग आपका नुकसान करने के लिए ही बैठे हैं, वो लोग आपके पैसों को फंसा देंगे और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। काफ़ी सारे कॉल्स मेरे पास डे बाय डे आते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार सजेशन दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस तरीके की कोई चीज़ ना करें, ठीक है। अगर आपको अकाउंट खोलना फॉरेक्स का तो आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोलें, ठीक है, कोई बहुत अच्छा ब्रोकर जो कि आप अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे पाए, ठीक है, और जहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस भी ना हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।